हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल इंतज़ार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो आपको मिरर दिख रहा है 1824 का, ये लाइट वाला मिरर है। ये जो लोगो दिख रहा है ये टच सेंसर है। जैसे इसको टच करते हैं लाइट बंद हो जाती है, चालू हो जाती है, बंद हो जाती है। इसमें जो डिज़ाइनिंग है इसमें से लाइट पास होती है। इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसका फ़ायदा भी बहुत है। इसको वॉश बेसिन पे लगा सकते हैं, बाथरूम में लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसको बनाते कैसे हैं। जी हाँ, इसको बनाते कैसे हैं और ये वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए हमारी वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इस मिरर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाना पड़ता है। उसके बाद ये हमारी प्लॉटर मशीन है, इस पर हम डिज़ाइनिंग कटिंग करते हैं। इसके बाद इसको हम मिरर पर चिपका देते हैं। देखिए कैसे, ये हमने स्टिकर के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है हम इसको निकाल देते हैं। इसको आराम से निकालना पड़ता है ताकि हमारा जो डिज़ाइन कटिंग हुआ है वो बिखर ना जाए। इसको धीरे 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 इसको पेपर को निकाल देते हैं। उसके बाद मिरर के ऊपर जो डस्ट वगैरह है उसको हम साफ़ करते हैं हाथ से। उसके बाद दो आदमी इसको ऐसे हम पकड़ के कट टू कट मिरर के माप के हिसाब से डिज़ाइन इसके ऊपर लगा देते हैं। उसके बाद डस्टर वगैरह से या कोई भी चीज़ ले सकते हैं सॉफ्ट वाली, उससे इसको स्टिकर को बराबर प्रेस कर देते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर बबल्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसको बराबर हम इसको इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं, चिपका देते हैं। फिर कटर से इसको जो एक्स्ट्रा साइड में निकला हुआ स्टिकर रहता है उसको हम कटर से काट देते हैं। फिनिशिंग के साथ इसको काट देते हैं। उसके बाद हमको कटर से ये डिज़ाइनिंग जो है निकालना पड़ता है। थोड़ा टाइम का काम है लेकिन फिनिशिंग से निकालना पड़ता है इसको, ताकि एक्यूरेसी बरकरार रहे अपने डिज़ाइन की। बहुत फिनिशिंग के साथ डिज़ाइनिंग निकालना है। जब हमारा ये सब डिज़ाइन लगभग निकल चुका है तो इसको फिर हम सैंड ब्लास्टिंग के लिए भेजते हैं केबिन में। सैंड ब्लास्टिंग एक मशीन द्वारा, कंप्रेसर मशीन द्वारा इसको सैंड ब्लास्टिंग किया जाता है। रेती से जो इसकी कलाई होती है वो सब उड़ जाती है और इसमें से लाइट पास होने के लिए मेरा ये रेडी हो जाता है। ये देखिए हमारा मिरर फ्रॉस्टेड के बाद सैंड ब्लास्टिंग के ये इसकी कलाई उड़ा दी गई है चारों साइड की, ताकि इसमें से लाइट पास हो सके। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो स्टिकर है वो हम निकाल देते हैं। स्टिकर इसका स्टिकर निकालने का मकसद हमारा सिर्फ यही रहता है कि हम इसके ऊपर पीछे बेस लगाएंगे, तो उसके लिए स्क्रू के लिए लकड़ी के या पीवीसी शीट के गुटके लगाने, तो बराबर चिपक सके। इसके लिए हम स्टिकर उखाड़ देते हैं इसका। स्टिकर निकालते वक्त हमको ये ध्यान देना है कि ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स छोड़े हैं पांच, तो इनको छोड़ देना है। ये खाली इसलिए रखते हैं हम कि हमको जो लकड़ी के बॉक्स या गुटके बोले वो चिपकाने हैं इसके ऊपर स्क्रू के लिए, बेस के लिए, तो परफेक्ट माप पे बैठ सकें, इसलिए हम ये रखते हैं। ये जो हमने पांच बॉक्स छोड़े थे, अब हमें क्या करना है कि मार्कर से इसके चारों साइड मार्किंग कर लेनी है। चारों साइड मार्किंग कर लेनी है, परफेक्ट मार्किंग करके चारों साइड पांचों बॉक्स के। तो परफेक्ट मार्किंग करनी है,
उसके बाद ये स्टिकर हमको सारा स्टिकर इसको निकाल देना है। सारा स्टिकर निकालने के बाद हमको फॉइल पेपर लेना है 6 इंच बाई 6 इंच, 5 इंच बाई 5 इंच या जो भी साइज आप लेना चाहें, लगभग इतना बड़ा कि सेंसर के नीचे आ जाए। तो हम इसको लोगो पर चिपका देना है, जो हमने सेंसर का लोगो रखा है। इसका मेन मकसद हमारा क्या रहता है कि हमारा जो सेंसर रहता है वो कैपेसिटिव सेंसर रहता है, वो बराबर काम कर सके, इसके लिए हम इसको चिपकाते हैं। फॉइल पेपर चिपकाने के बाद हमको इसमें सेंसर चिपकाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने जो लोगो छोड़ा था इसमें, तो लोगो के जो चारों साइड का स्टिकर है वो हमको थोड़ा थोड़ा चारों साइड से काट देना है, ताकि सेंसर की जो लाइट है वो उसमें पास हो सके। इसको फॉइल पेपर को काट देना है। उसके बाद इसको हम सेंसर को इस पे लगाएंगे। सेंसर के ऊपर डबल गम टेप आता है, वो हमको छुटाना है। डबल गम टेप छुटाने के बाद उसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ रहता है सेंसर के, वो भी छुटाना है। और वो डायरेक्ट हमको लोगो पे जो सेंसर है कैपेसिटी, वो उस पर टच कर देना है और चिपका देना है, और अपना सेंसर भी इस पर चिपका देना है। सेंसर चिपकाने के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सेम डिज़ाइन का मेरे पास दूसरा मिरर रेडी है, इसमें आपको मैं सब डिटेल से समझा देता हूँ। ये दूसरा मिरर रेडी है सेम डिज़ाइन का। इसमें देखो, ये सेंसर हमने जो चिपकाया था वो सेंसर चिपका हुआ है। साइड में 3 एम्पियर की 12 वोल्ट की चोक लगी हुई है। इसके 2 माइनस प्लस के तार सेंसर में लगे हुए हैं, और सेंसर की आउटपुट से हमें LED के तार लगाने, जो इसमें टर्मिनल लगे हुए रहते हैं उसमें ज्वाइन कर देने। और ये जो तार है एक, ये मेन लाइन AC का है, इसमें AC दी जाती है 220 वोल्ट। हमने जो मार्किंग कराई थी 5 गुटकों की PVC शीट के, हमने ये गुटके बना के लगा दिए। इसके हम पीछे बेस लगाएंगे तो इसमें स्क्रू डायरेक्ट टाइट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये देखो पीछे के लिए इसके बेस बनाया PVC शीट का, 8 mm की PVC शीट आती, वो हमने इससे लगभग 2-2 डोरा छोटा रखा है, ताकि आगे से हमको दिखाई न दे जब ये दीवार पर लगा हुआ होगा। इसमें हमें क्या करना है कि इसके अंदर की साइड, चारों साइड वाइट कलर की LED स्ट्रिप चिपका देनी है, और यहाँ पर मार्किंग करके 2 कान लटकाने के लिए, इसको दीवार पर टांगने के लिए लगा देने हैं। ये दूसरा बेस मेरे पास तैयार है इसका। इसमें देखिए हमने ये कान लगा दिए हैं, और ये LED स्ट्रिप चारों साइड LED स्ट्रिप चिपका दी है, और ये माइनस प्लस के 2 तार हमने इसमें लगा दिए हैं। हमको क्या करना है कि माइनस प्लस के जो 2 तार हैं वो हम इसको सेंसर में दे देते हैं। ये सेंसर में देनी है हमें इसको, माइनस प्लस के दोनों तार। वो सेंसर पे लिखा हुआ ही रहता है माइनस कौन सा प्लस कौन सा, तो इसको माइनस प्लस के दोनों तार हम सेंसर में ज्वाइंट कर देते हैं स्क्रू होल के टर्मिनल में। ये हम इसको बराबर लगा देते हैं। ये माइनस प्लस के हम दोनों तार इसमें लगाने के बाद हमको क्या करना है कि ये जो वायर है AC का वायर, हमको इसको बेस में ऊपर की साइड बीच सेंटर में एक होल करके, यहाँ पर होल करके इसमें से वायर निकाल देना है बाहर के लिए। इसको बाहर निकालने से ये पूरा वायर अंदर शॉर्ट हो जाएगा, देखिए छोटा हो गया बहुत। अब इसमें क्या है, ये डिज़ाइनिंग में दिखाई नहीं देगा, ऊपर चिपक गया स्टिकर के द्वारा। यह फिर इसमें क्या करना है, हमने जो 5 मार्किंग करके बॉक्स लगाए थे उसी मार्किंग के हिसाब से हमने 5 होल किए हैं। अब हम इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं यहाँ पर।
अब हम इसमें पीछे से स्क्रू लगा देते हैं। पहले हम सेंटर का स्क्रू लगाएंगे, यहाँ सेंटर का लगाना अच्छा रहता है, बराबर सेट करके चारों साइड से सेंटर का स्क्रू लगा देते हैं पहले। उसके बाद हम ये चारों साइड स्क्रू लगाएंगे। ये हमारा मिरर रेडी हो गया है। जैसे ही हमने इसको लाइट दी, ये लोगों में हमें ब्लू कलर की लाइट दिखाई देने लगी। जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो अंदर लाइट चालू हो जाती है। इसका बहुत ही प्यारा गेटअप आता है। मैं अभी आपको लाइट बंद करके भी बताता हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।